नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं तड़बा गांव से, और सरपंच संतोष बैनीवाल के फार्म पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त। और पुलिस की घेराबंदी है वो यहाँ पे की जा चुकी है, क्योंकि इन्होंने ऐलान किया था, जो सरपंच एसोसिएशन सिरसा है, उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रोग्राम का विरोध का ऐलान किया था। तो इस वक्त चारों ओर आप देख सकते हैं पुलिस मौजूद है यहाँ पे, और इनको यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है ताकि ये विरोध ना कर सके। हमारे साथ जुड़ी है सरपंच संतोष बैनीवाल। मैम, आपकी घेराबंदी की गई है, क्या कहेंगे? देखो, इतनी भारी संख्या में यहाँ पुलिस आई है, फिर मेरा प्रयास जरूर रहेगा मैं निकलूं यहाँ से और जो सीएम साहब आ रहे हैं उनका विरोध करूं। कहते हैं ना कि सरकार अच्छे काम कर रही है, अरे सरकार तो तानाशाही नीतियों पर उतरी हुई है। देखो, हमारी जो बातें हैं, जो भी हम कोई आवाज उठा रहे हैं उनको दबाने का काम कर रही है, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। आज हम डट के मुकाबला करने वाले हैं, तो देखो मेरे फार्म हाउस पे मैं आधी रात को यहाँ पे आके रुकी हूँ, और इनको जब भी भनक लगी मैं घर छोड़ के बाहर आई हूँ, और इनको भनक लगते ये सारे यहाँ पे पहुंच गए। तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? तो आपको मिलने से क्यों रोका जा रहा है? हालांकि आदित्य देवीलाल जिला अध्यक्ष से उन्होंने कहा था कि कोई भी आ सकता है जनसंवाद में और मिल सकता है, मुख्यमंत्री से अपनी बात रख सकता है। नहीं, जनसंवाद की बात आती है तो मैं चार बार सीएम के साथ टेबल टॉक कर चुकी हूँ, उनको जो भी हमारी बातें थी मानना होते तो वो काफी टाइम पहले भी मान चुके होते, क्योंकि हर मीटिंग में उनके साथ रही हूँ। तो जो भी हमारी जब सरपंचों की बातें आती है ना, तो उस बात पे टॉपिक होता है तो वो कहते हैं कि इस बात को एक बार छोड़िए, उसके बाद में बात करते हैं। तो हमारी तीन चार बार मैं टेबल पे बैठ चुकी हूँ, तो जनसंवाद कर रही है उसके बीच में तो हमारा जाने का क्या काम है? फिर हम तो विरोध ही करेंगे, और क्या कर सकते हैं? बाकी जो और सरपंच है आपके संगठन में, उनकी भी घेराबंदी की गई है? देखिए, मेरे को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया है, और मैंने अभी तक किसी से बात भी नहीं की, क्यों फोन ऑन करते ही यहाँ पे पुलिस आ गई, क्यों रात का मेरा फोन बंद था और फोन ऑन करते ही यहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी है। अभी तक मेरी कोई और सरपंचों से बात नहीं, सुभाष जी का संघ है वो मेरे साथ है, और कुछ हमारे साथी हैं उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। तो आगे का क्या कदम रहेगा? आज तो आपको यहाँ से नहीं निकलने दिया जाएगा, चारों ओर पुलिस ही पुलिस है। मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि मेरे को जब भी मौका मिलता मैं भाग जाऊंगी। विरोध आप करेंगे? हाँ जी, पक्का विरोध करूंगी, किसी की मत पे पीछे हटने वाली तो मैं हूँ नहीं, और ना मैं डरने वाली हूँ। ठीक है। जी सर, आपकी पुलिस चारों ओर फार्म पे पहुंची है, क्या कारण है? आज ये सरपंच एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज सीएम साहब का प्रोग्राम है सिरसा जिले के अंदर, तो ये सरपंच इन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध करना था, तो इनको यहाँ डिटेन कर रखा है। सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें कोई पैदा न कर लाइन रोड के अंदर। ठीक।